नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जमकर बवाल किया, जिसे देखते हुए समूचे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दंगाइयों से निपटने के लिए आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। सीएए का विरोध करने वाले एक बार फिर हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। दिल्ली में सीएए का विरोध करने वालों ने जमकर उत्पात मचाया, तमाम लोगों की जान चली गई। अलीगढ़ में भी जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। दिल्ली और अलीगढ़ के बाद समूचे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगरा पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है। आगरा में पूरी तरीके से एहतियात बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाकर छतों पर तलाशी की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि छतों पर पत्थर जमा तो नहीं है या फिर अन्य चीजें छतों पर इकट्ठा करके तो नहीं रखा गया है। जहां आगरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है, वही चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। शहर में लगे स्मार्ट सिटी के तहत कैमरों पर भी पूरी निगाह पुलिस प्रशासन ने लगा रखी है। खुफिया तंत्र का जाल भी फैला दिया गया है। सादा कपड़ों में भी बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। दरअसल पूर्व में देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, लेकिन सुलह कुल की नगरी आगरा ने एक मिसाल पेश की थी। आगरा के लोगों ने पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखी थी। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।